ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामीजी शिष्य संवाद। स्थान बेलुड़ मठ निर्माण काल रे 1898 ख्रीष्टाब्द। स्वामीजी देह संप्रति प्राय सुस्थ। मठर नुआ जमी रे जो प्राचीन घर थिला ताहार कठोरी गुड़ी को मरामती करी बास उपयोगी करा जाउछि, किंतु ए पर्यंत संपूर्ण होइना। समग्र जमीटी माटी पकाई इतिपूर्वे समतल करा जाइछि। स्वामीजी आज अपराह्न रे शिष्य को संगरे नहीं मठर जमी रे घूरी बुलुछन्ति। स्वामीजी हस्तरे गोटे दीर्घ जष्टि, देहरे गेरुआ रंगर फ्लानेलर आलखाल्ला, मस्तक अनामृत। शिष्य सहित गप करू करू दक्षिण मुखरे अग्रसर हो फाटक पर्यंत जाई पुनराय उत्तर दिगकु फेरुछन्ति। एही रूपे घरु फाटक एवं फाटकरु घर पर्यंत बारंबार पदचारण करुछन्ति। दक्षिण पाखरे बिल्लतरु मूळ बंधा होउछि। सही बेलगछर अदूरें ठिया होई स्वामीजी एथर धीरे गाइबाकु लागिले। गिरी गणेश आमार शुभकारी, बिल्व वृक्षमूले पातीए बधन, गणेशर कल्याणी गौरीर आगमन। घरे आनब चंडी सुनब कतचंडी, आसबे कतदंडी जगी जटाधारी, इत्यादि गान करू करू शिष्य को कहिले एठाकु आसिबे केते दंडी जगी जटाधारी। बुझिलु समय रे एठारे केते साधु सन्यासींकर समागम हेबो। कहु कहु बिल्लतरु मूळरे उपवेशन कले ओ कहिले, बिल्लतरु मूळ अत्यंत पवित्र स्थान, एठारे बसी ध्यान धारणा कले शीघ्र उद्दीपना हुए। ठाकुरे ए कथा कहुथिले। शिष्य पचारुछन्ति, आज्ञा जेउ माने आत्मा अनात्मार विचार रे रत, सेमानंकर स्थान अस्थान काल अकाल शुद्धि अशुद्धि विचारर आवश्यकता अछि कि? स्वामीजी कहुछन्ति, जेउ मानंकर आत्मज्ञान रे निष्ठा होइछि सेमानंकर ए सबु विचार करिवार प्रयोजन नाही सत, किंतु एही निष्ठा कोन एमिति होइथाय, केते साध्य साधना करिवाकु हुए तेबे जाई हुए। तेणु प्रथमे प्रथमे गोटाए अधे बाहिक अवलम्बन नहीं निज गड़े ठिया हेबापी चेष्टा करिवाकु हुए। परे जेतेबेले आत्मज्ञान निष्ठा लाभ हुए सेतेबेले कौनसी अवलम्बन आउ दरकार हुए नाही। शास्त्र रे नाना प्रकार साधन मार्ग सबु निर्दिष्ट होइछि, से सबु केवल एही आत्मज्ञान लाभ पई। तेबे अधिकारी भेद रे साधना भिन्न भिन्न, किंतु से सबु साधना भी एक प्रकार कर्म, एवं जे पर्यंत कर्म से पर्यंत आत्मार देखा नाही। आत्मप्रकाशर अंतराय गुड़िक शास्त्र उक्त साधन रूप कर्म द्वारा प्रतिरुद्ध हुए। कर्मर निजर साक्षात आत्मप्रकाशर शक्ति नाही, केते गुड़िए आवरण को दूर कर दिए मात्र, तापरे आत्मा आपणा प्रभारे आपे उद्भासित हुंती। बुझिलु एणु तोर भाष्यकार कहुछन्ति ब्रह्मज्ञान रे कर्मर लेशमात्र संबंध नाही। शिष्य कहुछन्ति, किंतु आज्ञा कौनसी ना कौनसी प्रकार कर्म न कले जेतेबेले आत्मप्रकाशर अंतराय गुड़िक दूर हुए नाही सेतेबेले परोक्ष भाव रे कर्म ही तो ज्ञानर कारण होई दंडायमान होउछि। स्वामीजी कहुछन्ति, कार्य कारण परंपरार दृष्टि रे आपातत सेहीपरि प्रतीयमान हुए ताहा ठीक। मीमांसा शास्त्र रे सेहीपरि दृष्टि अवलम्बन करी काम्य कर्म निश्चित फल प्रसव करे ए कथा कुहा जाइछि। निर्विशेष आत्मार दर्शन किंतु कर्म द्वारा हेबार नुहे, कारण आत्मज्ञान पिपासु पक्षरे विधान एही जे साधन आदि कर्म करिव अथच ताहार फलाफल प्रति उदासीन रहिव, ता हेले ही हेला ए सबु साधना आदि कर्म
साधकर चित्त शुद्धि कारण भिन्न आउ किछि नुहे। कारण एही साधना आदि फल जदि आत्मा को साक्षात प्रत्यक्ष करा जांता तेबे आउ साधक को शास्त्र रे एसब कर्मर फल त्याग करबा को कहा जांता नाही। अतएव मीमांसा शास्त्रोक्त फलप्रसू कर्मवादर निराकरण कल्पे गीतोक्त निष्काम कर्मजगर अवतारणा करा जाइछि। बुझिलु? शिष्य कहुछन्ति आज्ञा, किंतु कर्मर फलाफल ही जदि प्रत्याशा न रखिली तेबे कष्टकर कर्म करबा को प्रवृत्ति हेबो काहेकि? स्वामीजी कहुछन्ति शरीर धारण कर सबुबले गोटाए किछि न करि रही हुए नाही। जीव को जेतेबेले कर्म करबा को ही हेउछि सेतेबेले जेपरि कर्म कले आत्मार दर्शन पाई मुक्तिलाभ हुए सेहिपरि कर्म करबा को ही निष्काम कर्म जगरे कुहा जाइछि। आउ तू जे कहिलु प्रवृत्ति हेबो काहेकि, ताहार उत्तर हेउछि एही जे जहाँ किछि कर्म करा जाय से सबु प्रवृत्तिमूलक, किंतु कर्म करी करी जेतेबेले कर्मरु कर्मांतर को जन्मरु जन्मांतर को केवल गति होथाय सेतेबेले लोकर विचार प्रवृत्ति कालक्रमे आपे जागी उठी पचारे एही कर्मर अंत केउठी। सेतेबेले से गीता मुखरे भगवान जहाँ कहिछन्ति गहना कर्मण गति ही ताहार मर्म बुझी पारिबो। अतएव जेतेबेले कर्म करी करी आउ शांति लाभ हुए नहीं सेतेबेले जाई साधक कर्मत्याग हुए, किंतु देह धारण करी किछि गोटाए नहीं तो रहिबा को हेबो, कौन नहीं रहिबो कह। तेणु दि चारिटा सत्कर्म करी जाए किंतु ए कर्मर फलाफल रे प्रत्याशा रखे नहीं। कारण सेतेबेले से जानिछि जे सेई कर्मफल रे ही जन्म मृत्युर बहुधा अंकुर निहित अछि। सेथिपाई ब्रह्मज्ञ माने सर्वकर्म त्यागी लोक देखाणिया दुई चारिटा कर्म कले भी सेथिरे तांकर किछि मात्र आंट नाही। एही माने ही शास्त्र रे निष्काम कर्मजोगी बोली कथित होइछंती। शिष्य कहुछंती तेबे कौन आज्ञा निष्काम ब्रह्मज्ञर उद्देश्यहीन कर्म उन्मत्तर चेष्टाधिपरि? स्वामीजी कहुछंती ताहा काहेकि हेबो, निज पाई निजर देह और मनर सुख पाई कर्म न करिबा ही हेउछि कर्मफल त्याग करिबा। ब्रह्मज्ञ निजर सुख अन्वेषण करती नहीं, किंतु अपरर कल्याण बा यथार्थ सुखलाभ पाई काहेकि कर्म करिवे नहीं। सेमाने फलासंग रहित होई जहाँ किछि कर्म करि जानती सेथिरे जगतर हित हुए। से सब कर्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हुए। ठाकुरे कहंती सेमानंग गड़ केबे हे बेतालरे पड़े नहीं, सेमाने जहाँ जहाँ करंती ताहा ही अर्थपूर्ण होई उठे। उत्तर चरितरे पढ़िनाहुँ ऋषिणां पुनराद्यानां वाचम अर्थ अनुधावती, अर्थात ऋषिमानंग वाक्यर अर्थ अछि ही अछि, कदापि निरर्थक बा मिथ्या हुए नहीं। मन जेतेबेले आत्मारे लीन होई वृत्तिहीन प्राय हुए सेतेबेले इहा मूत्र फल भोग विराग जन्मे, अर्थात संसार रे बा मृत्यु परे स्वर्गादि रे कौनसी प्रकार सुख भोग करिवार वासना रहे नहीं। मनरे आउ संकल्प विकल्पर तरंग न थाए, किंतु व्युत्थान काल रे अर्थात समाधि बा सेही परि वृत्तिहीन अवस्थारु खसी मन जेतेबेले पुणी मु मोर राज्य को आसे सेतेबेले पूर्वकृत कर्म बा अभ्यास बा प्रारब्ध जनित संस्कार बसरे देहादिर कर्म चालू थाए। मन सेतेबेले प्राय ज्ञानातीत अवस्थारे थाए, न खाइले नुहे तेणु खाइबा पीबा थाए, देहादि बुद्धि अति अल्प बा क्षण होइजाए। एही ज्ञानातीत भूमि रे पहुँची जहाँ जहाँ करा जाए ता ठीक ठीक करा जाई पारे। सेही सब कार्यरे जीवर और जगतर यथार्थ हित हुए, कारण सेतेबेले कर्तार मन आउ स्वार्थपरतारे बा निजर लाभ क्षति हिसाब रे दूषित हुए नहीं। ईश्वर ज्ञानातीत भूमि रे सर्वदा अवस्थान करी
ଏହି ଜଗତ ରୂପ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସିଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆତ୍ମଜ୍ଞ ଜୀବର ଫଳାସଙ୍ଗ ରହିତ କର୍ମାଦି ଅଙ୍ଗହୀନ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଜୀବର ଓ ଜଗତର ଠିକ୍ ଠିକ୍ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇତିପୂର୍ବେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ କର୍ମର ତିଳେମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଅଥବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ମହାରଜଗୁଣର ଉଦ୍ଦୀପକ ଉପଦେଶ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି? ଏବେ ସେଦିନ ମୋତେ ହିଁ କହୁଥିଲେ, କର୍ମ କର୍ମ ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟନାୟ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁନିଆ ଘୁରି ଦେଖିଲି। ଏ ଦେଶ ପରି ଏତେ ଅଧିକ ତାମସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକତାର ଛଳନା, ଭିତରେ ଏକାବେଳକେ ଇଟା ପଥର ପରି ଜଡ଼ତ୍ୱ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ କି କାମ ହେବ? ଏପରି ଅକର୍ମା ଅଳସ ଶିଷ୍ଣଦର ପରାୟଣ ଜାତି ଦୁନିଆରେ କେତେଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୁଲି ଆଗେ ଦେଖିବା, ପରେ ମୋର ଏହି କଥାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଉଦ୍ୟମ, କେତେ କର୍ମତତ୍ପରତା, କେତେ ଉତ୍ସାହ, କେତେ ରଜଗୁଣର ବିକାଶ। ତୁମ ଦେଶର ଲୋକଗୁଡ଼ାକର ରକ୍ତ ଯେପରି ହୃଦୟରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ଧମନୀରେ ଯେପରି ଆଉ ରକ୍ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇ ଯେପରି ଅବଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଜଗୁଣ ବଢ଼ାଇ କର୍ମତତ୍ପରତା ଦ୍ୱାରା ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଐହିକ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶରୀରରେ ବଳ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରତିଭା ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ ରେ ଏହି ଜଡ଼ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ମୁଁ ହଲଚଲ କରି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣାନ୍ତପଣ ବେଦାନ୍ତର ଅମୋଘ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବି। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ, ଏହି ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ତୁମେ ସବୁ ଏହି କାମରେ ମୋର ସହାୟ ହୁଅ। ଯାଅ ଗାଁରେ ଗାଁରେ, ଦେଶରେ ଦେଶରେ ଏହି ଅଭୟବାଣୀ ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଶୁଣାଓ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଧରି କହ, ତୁମେ ଅମିତ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଅମୃତର ଅଧିକାରୀ। ଏହିପରି ଆଗେ ରଜଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଦୀପନା କର, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କର, ତାପରେ ପର ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ କହ। ଆଗେ ଭିତରର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଗଡ଼ରେ ଠିଆ କରାଉ। ଉତ୍ତମ ଆସନ ବସନ, ଉତ୍ତମ ଭୋଗ ଆଗେ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଭୋଗର ବନ୍ଧନରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ତାହା କହିଦିଅ। ଆଳସ୍ୟ, ହୀନବୁଦ୍ଧି, କପଟତା ଦେଶଟାକୁ ଘଡ଼େଇ ପକେଇଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏହା ଦେଖି କ'ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ? କାନ୍ଦ କ'ଣ ମାଡ଼େ ନାହିଁ? ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ, ପଞ୍ଜାବ, ବଙ୍ଗଳା ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ, କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଦେଖିନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ? କ'ଣ ପାଉଁଶ ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡି ଶିଖିଛ? କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରର କଥା ଭାଷାନ୍ତର କରି ମୁଖସ୍ଥ କରି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରାଇ ପାସ୍ କରି ଭାବୁଛ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ? ଛି ଛି, ଏହାର ନାମ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା? ତୁମର ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ହୁଏତ କିରାଣୀଗିରି, ନହେଲେ ଗୋଟାଏ ଦୁଷ୍ଟ ଓକିଲ ହେବା, ନହେଲେ ଖୁବ୍ ଜୋର କିରାଣୀଗିରିର ହିଁ ରୂପାନ୍ତର ଗୋଟାଏ ଡେପୁଟିଗିରି ଚାକିରି, ଏହି ତ? ଏଥିରେ ତୁମର ବା କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଦେଶର ବା କ'ଣ ହେଲା? ଥରେ ଆଖି ମେଲି ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୁ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଅନ୍ନ ପାଇଁ କି ହାହାକାରଟା ଉଠିଛି। ତୁମର ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି? କେବେ ନୁହେଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସହାୟତାରେ ମାଟି ଖଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଯା, ଅନ୍ନର ସଂସ୍ଥାନ କର, ଚାକିରି ବାକିରି କରି ନୁହେଁ, ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସହାୟତାରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ରର ସଂସ୍ଥାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ହିଁ ମୁଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ରଜଗୁଣ ତତ୍ପର ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବର ଚିନ୍ତାରେ ଦେଶ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପକେଇଦେ ତୋର ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ। ଦେଶର ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ କରିବାର ଉପାୟ ଶିଖାଇଦେ,
तापरे भागवत पढ़ी शुणा कर्म तत्परता द्वारा ऐहिक अभाव दूर न हेले धर्म कथार केही कान देवे नाही। सेथिपाई कहुछि आगे निज भितरे अंतर्निहित आत्मशक्ति को जाग्रत कर तापरे देशर इतर साधारण समस्तंक भितरे सही आत्मशक्ति रे विश्वास जाग्रत करी प्रथमे अन्न संस्थान परे धर्म लाभ करिबाकु तांकु सिखाओ। आउ बसी रहिवार समय नाही केते बेले कहार मृत्यु हेबो ताहा किए कही पारे। कथा गुड़िक कहु कहु क्षोब दुख और करुणार सहित अपूर्व एक तेजर मिलन रे स्वामीजी बदन उद्भासित हो उठिला। चक्षुरु जेपरी अग्निस्फुलिंग बाहर लगिला तांगर से ही समय से ही दिव्य मूर्ति अवलोकन करी भयरे अविस्मय शिष्यर मुहरु आउ कथा बाहरिला नाही। केते समय परे स्वामीजी पुनराय कहिले सेहिपरि कर्म तत्परता और आत्मनिर्भरता कालक्रमे देशरे आसिबो ही आसिबो बेस देखिबाकु पाउछि। देयर इज नो एस्केप ठाकुरंग जन्म समय रु ही पूर्व आकाशरे अरुणोदय होइछि काले तार उद्भिन्न छटारे देश मध्यान सूर्य किरणरे आलोकित हेबो। ओम निरंजनम नित्यमनंद रूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।